तो किसको किसको जगाना था? बहुत सारे, फिर भी मैं आपको ही पता है कि मीडिया को जो गाली देते हैं, इनफैक्ट जिगना जो आराम से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बोलते हैं। अच्छा, जो अभी ईशा का फेक लव स्टोरी एंगल चल रहा है, दो बॉयफ्रेंड, मुझे लग रहा है कि सास बहू का चल रहा है, वो अनफेयर है। ना ही मुझे बिग बॉस ने निकाला है और ना ही मुझे पब्लिक ने निकाला है। मुनव्वर के बारे में क्या बोलना, मुनव्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं आप लोग, देखो अभी तो अच्छा ही चल रहा है उसका भी गेम। सोनिया जी, आपको क्या रीजन था जो आप एलिमिनेट हो गए? आप लोगों ने नहीं देखा क्या? देखे देखे देखे, तो फिर घर वालों से आप झगड़ा भी करोगे और सोचोगे वोट भी मिल जाए आपको, तो कैसे पॉसिबल है? वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा, जो अभी ईशा का फेक लव स्टोरी एंगल चल रहा है, दो बॉयफ्रेंड, लग रहा है कि सास बहू का चल रहा है, वैसा वो होता है ना टीवी सीरियल का, एक आया फिर दूसरा आया, तो इसलिए। लेकिन कई ईशा जी बहुत गलत साबित हो रही है, उसको क्या करना चाहिए? अब गलत साबित हो रहे हैं वो, आई थिंक उनको फैमिली को गाइड करना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि आप जैसे हो वैसे दिखाते हो पर्सनैलिटी, तो या बिग बॉस को एक मैच्योर को डालना चाहिए था, वो मैच्योर नहीं है अभी इतना। हाँ, मैच्योर नहीं है, बट अब बिग बॉस का ऐसा नहीं है, बिग बॉस के पास प्रोफाइल होती है जो उसके काबिल होता है तो उसको डाला जाता है, और वो सबसे छोटी है, वो इसलिए ही डाली गई है, कोई तो होना चाहिए 2090 का, तो वो सबसे छोटी है हमारे उसमें पूरे घर में। देखिए, पब्लिक ने आपका इवेक्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों ने किया, तो क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब उन लोगों का ऐसा, घर वालों का ऐसा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए अनफेयर ही है। आप लोगों को भी समझ में आया होगा, वो अनफेयर है, ना ही मुझे बिग बॉस ने निकाला है और ना ही मुझे पब्लिक ने निकाला है, तो मेरे लिए बेटर है। इसके पहले भी कंटेस्टेंट अंदर गए हैं वापस से वाइल्ड कार्ड एंट्री से, अगर इस तरह से जाने को मिला और जीत के भी आए तो जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी, मेरा गेम बहुत रह गया था, कुछ लोगों को मुझे जगाना था, वो मैं सोच रही थी कि इस वाले हफ्ते के बाद मैं थोड़ा सा लूँगी एक्शन, बट नहीं ले पाई। कैसी रही आपकी जर्नी? मेरी अच्छी रही, थोड़ी शॉर्ट रही, नहीं तो थोड़ा और आप लोगों को अच्छा मिलता चीज़ है। अभी अंकिता, अंकिता फेवरेट है, लगता जीतेंगी वो। अब वो तो नहीं पता, गेम पलटता है बहुत ज़्यादा, तो अभी तो हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं। दिमाग से बराबर, अभी तो कोई नहीं खेलता। मुनव्वर के बारे में क्या बोलना, मुनव्वर के बारे में क्या बोल रहे हैं आप लोग, देखो अभी तो अच्छा ही चल रहा है उसका भी गेम, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसको करना चाहिए और अच्छा बेटर। अच्छा, बिग बॉस के बाद अभी आपको कहाँ देखेंगे? मुझे मुझे अभी तो मेरी साउथ की फिल्में रिलीज होंगी, और देन मेरी एक और फिल्म है अभी डुबकी पार्ट 2, तो अभी वो ही शूट पे जाने वाली है। अभी जो आया है ड्रामा, हाँ देखो अभी तो मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी दो दिन से देखा भी नहीं है क्या चल रहा है। मैं होती तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा अलग एंगल होता, क्योंकि वो एंगल है ही नहीं अभी फिलहाल। जगाने में किसको किसको जगाना था? बहुत सारे, फिर भी मैं आपको ही पता है कि मीडिया को जो गाली देते हैं, इनफैक्ट जिगना जो आराम से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उनके 15 लोगों के अंदर ही, 15-16 लोगों के अंदर ही उनकी आवाज़ कम हो गई है, तो मुझे लगता है कि उनको निकल के आना चाहिए, उसके लिए मैं खुश करूँगी चाहे मेरी फाइट। और जो लोग जो है अभी घर में, उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन लग रहा है? सोनिया बंसल। जो अंदर जो है सो अंदर जाएंगे तो बात अलग है। अभी तो फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है अंकिता निकल के आएगी, उसको थोड़ा सा समझ में, कभी कभी क्या होता है कि गेम समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे लगता है अंकिता और खानजादी निकल के आएगी। उसके बाद तो सब नॉमिनेशन से डरते रहते हैं, इनफैक्ट अभिषेक भी अच्छा खेलता है। लेकिन जब हम पब्लिक से और जो सेलिब्रिटी से जब हम पूछे, तो फिर कहने का मुनव्वर का नाम काफ़ी ऊपर आ रहा है, तो इस पे क्या लग रहा है? खेलता नहीं है एक्चुअली में। देखो क्या होता है, मैदान में निकल के आओ, फिर पता चलता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप नॉमिनेशन से डर रहे हो तो इसका मतलब कि आप हर चीज़ से डर जाओगे। मुझे तो नहीं डर लग रहा, मैं तो इनफैक्ट 3 दिन मुझे पता भी चला मैं नॉमिनेट हूँ, तभी मैं नहीं डरी, क्योंकि मेरे ठीक है, वो तो एक पार्ट है नॉमिनेशन का। फाइनली अभिषेक, ईशा और कहने का ये भी अब सामर्थ्य भी अंदर चले गए हैं, ये दोनों में काफ़ी फाइट भी चल रहा है, तो इस पर क्या टेक है आपका? हाँ कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल बचपना चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल बचपना है, ऐसा लग रहा है कि वो पहले बॉयफ्रेंड था, एक्स था, फिर प्रेजेंट भी आ गया, वो अलग अलग तरीके है। मुझे लगता है कि मैं चल गई तो थोड़ा सा शॉर्ट आउट हो, बट ठीक है। किस तरह का फीलिंग था आपको जब आपको पता चला कि मैम बाहर आ गई? सोनिया भी बाहर भी आएगी, क्योंकि उसका
गेम बहुत अच्छा था एंड वो घर वालों की वजह से डिसीजन जो लिया हुआ था वो बहुत रॉन्ग बना हमें तो लगी जैसे था। मुझे ऐसा लगता है कि जब पब्लिक का प्यार मिलता है ना तो हमें उस वाले घर की क्या जरूरत है, तो बस पब्लिक का प्यार मिलेगा तो डेफिनेटली उस घर को थोड़ा सा अनबैलेंस करने जाऊंगा। मुझे लगता है कि अभी मैं गई तो फिर वो अलग तरीके से होगा, जो आराम से सो रहे होते हैं कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा मुझे पुश करना पड़ेगा कि जिस गेम के लिए आप नहीं हो तो आराम से बाहर की रोटियां खाओ, अंदर मत खाओ। फाइनली आपके जो फैंस है कहने के वो अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, उन्हें क्या कहने चाहिए? थैंक यू, सपोर्ट करते रहें। इनफैक्ट अभी मेरे बहुत सारे काम भी आ रहे हैं, मैं बिग बॉस में री एंट्री करी तो फिर वो अलग मेरा रूप होगा, उसको भी संभाल लेना क्योंकि वो थोड़ा सा अनबैलेंस ही करूँगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू।